रामायण की सीता दीपिका चिखलिया ने गुरुवार को अयोध्या पहुंच रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई और प्रभु रामलला का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने शहर के न्यावा स्थित एक फैशन शोरूम का भी उद्घाटन किया। दीपिका चिखलिया ने कहा कि मैं चौथी बार अयोध्या आई हूँ। जब भी मैं अयोध्या आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में अब शूटिंग हब बनना चाहिए। लोकसभा चुनाव में भाजपा के 400 पार के नारे पर उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार होगा। वासियों, मेरे भाइयों, बहनों और बुजुर्ग को मेरा प्रणाम, खूब सारा प्यार आप सबको। क्योंकि मैं रामायण से बहुत अरसों से मैं जुड़ी हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि अयोध्या मेरा अपना है। बहुत खुशी है। जय सियाराम। हर बार यहाँ आती हूँ तो ऐसा लगता है कि अपने गांव, अपने शहर में आ गई। बहुत वर्षों के इंतजार के बाद पिछले साल मैं अपनी सीरियल जो मैं खुद प्रोड्यूस कर रही हूँ धरती पुत्र नंदिनी कि उनको देखकर मुझे मेरी आंखों में अश्रु आ गए थे। बहुत सुंदर रहा, उनका आशीर्वाद मिला और मेरी सीरियल बहुत बहुत अच्छी चल रही है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगी क्योंकि वो कहानी जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ धरती पुत्र नंदिनी वो अयोध्या की तीसरी चौथी ट्रिप है मेरी अयोध्या। बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि भाई राम जी बुला रहे और हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, तो बहुत खुशी की बात है। और क्या जानना चाहते हैं? अयोध्या में विश्व की पर्यटन नगरी बन रही है और अब क्या बॉलीवुड और जो धारावाहिक बनते हैं, क्या अयोध्या में किधर रुझान रहेगा क्या? जो अगर यहाँ पे शूटिंग्स वगैरह शुरू हो जाएं तो सबको फायदा होगा, सबको इनकम होगी, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको वेलकम करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह चुनाव आ गया है और जिस तरह से विपक्ष जो है संविधान की बात कर रहा है, संविधान खत्म कर देंगे और भाजपा कह रही है कि 400 पार, क्या कहेंगे इसके आप? तो 400 पार तो हो जाएगा, बाकी एक बार हो जाए। किस तरह का ये शोरूम है उसके बारे में? ये जो सत्यमा द फैशन हब है, ये जो सत्यमा या फैशन हब है, ये बेसिकली लेडीजों के लिए एक प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए हमने बनाया है। और इसमें इमिटेशन ज्वेलरी यानी कि फैशन ज्वेलरी है, हैंडबैग्स हैं, परफ्यूम है, सैंडल है और कॉस्मेटिक है, जो प्रीमियम रेंज है लेकिन अफोर्डेबल प्राइस है। जैसा कि सीता जी जो कि चीफ गेस्ट थी, जिन्होंने रामायण में सीता जी का किरदार निभाया था, दीपिका चिखलिया जी, वो इसका उद्घाटन करने के लिए आई थी। कल वो आई थी तो हमारे साथ हम वो राम मंदिर दर्शन करने गए, उसके बाद हनुमानगढ़ी गए, फिर आज सुबह जैसा कि शेड्यूल था उस शेड्यूल पे वो आई, उन्होंने लोगों को संबोधित किया, रिबन काटा, इस तरह से उद्घाटन हुआ और काफ़ी जनमानस यहाँ पे था। उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लोग आए और समय निकाला। उसी सोच को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम भी यहीं के निवासी हैं और जब हमारी घर पे ज़रूरत पड़ती थी तो हमको लखनऊ जाना पड़ता था और लेकिन वो रेंज और वो रेट नहीं मिल पाते थे, तो ये समस्या हमको लगी। और अयोध्या चूँकि डेवलप भी कर रहा था, हमको लगा कि जो हमारी समस्या है वो सभी की समस्या होगी, हमारे घर की जो समस्या है। तो सभी से सर्वे किया हमारी टीम ने, करीब 2 महीने सर्वे चला। सर्वे के बाद सभी का मत यही था कि हम यहाँ पर एक फैशन स्टोर खोलें और जो कि उन लोगों के, आप लोगों के सबके सहयोग से आज ओपन हो गया। नहीं मतलब जैसे लेडीजों को कपड़े के शोरूम्स तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो उनका बाकी चीज़ों पहनने वाली चीज़ें हैं वो नहीं है, जो कैरी करने वाली चीज़ें हैं वो नहीं है, ठीक है ना। और ये जो सत्यमा नाम भी रखा है, ये जैसा कि हमारे सीता जी ने भी बताया, मेरे पिताजी का नाम श्री सत्यनारायण अग्रवाल था और माता जी का नाम श्रीमती मनीषा अग्रवाल, तो दोनों को जोड़ करके सत्य और माँ मिला करके हम लोगों ने इसका नाम सत्यमा रखा। और उनका आशीर्वाद भी है कि हम इसको ओपन कर पा रहे हैं। अयोध्या वासियों से मेरी यही अपील है, एक बार यहाँ पर आएँ, बहुत सारे यहाँ पे ऑफर्स भी हैं और रेट ऐसा है कि आपको लखनऊ दिल्ली में भी नहीं मिलेगा। और क्वालिटी तो मैं मतलब वो खुद यूज करेंगे, वो खुद हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। इसके अलावा हमारा मेंबरशिप कार्ड है,
जिससे वो बहुत सारे बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे मैं पीछे भी बोला, जैसे लकी ड्रा का बेनिफिट्स ले सकते हैं, 20,000 रुपये तक के गिफ्ट वाउचर हैं, मूवी टिकट्स हैं, वाटर पार्क टिकट्स हैं, इसके अलावा ताज में लंच का प्रोविजन है, मतलब ऐसे बहुत सारे करीब 9 तरह के बेनिफिट्स अलग से हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम एक एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, लग्जीरियस एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, ताकि यहाँ के लोग महसूस कर सकेंगे जो मेट्रो सिटी के लोग महसूस करते हैं, तो वो फीलिंग हम यहाँ पे देना चाहते हैं। नाम आशीष गोयल है, यहाँ है बैंक ऑफ